समाज की ओर से नर्सिंग डे के पूर्व दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान निहाल सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस शहर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर दयाचंद पचौरी, सेवर ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल जाटव, प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोगरवाल, नरेंद्र कुमार हर्ष मौजूद रहे। सम्मान समारोह के प्रारंभ में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भगवत कटारा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान 59 नर्सिंग कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा गरीब महिलाओं को भी संस्था ने साड़ी वितरित की। सम्मान समारोह को डॉक्टर गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों और असहायों के लिए हमेशा आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए और भामाशाह दानदाताओं के द्वारा की जाने वाली सेवा कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने मानवता के लिए कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि नर्सिंग कर्मी की सेवाएं कोरोना काल में सराहनीय रही है। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि RBM और जनाना अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की गई है और आधुनिक मशीन लगाई गई है, जहां निशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अब भरतपुर के मरीजों को इलाज कराने के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, यहां पर सभी सुविधाओं का विस्तारीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्दी भरतपुर में मोबाइल कैंसर वैन भी आने वाली है और जो भ्रमण कर मरीजों का इलाज करेगी। डॉक्टर गर्ग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों के लिए लगाए जा रहे शिविरों में पंजीयन कराने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार आम जन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनका सपना भरतपुर को एजुकेशन हब बनाना है और उनका सपना धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राजस्थान है और यह सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेहतर सोच का नतीजा है। कार्यक्रम का संचालन श्याम सिंह जगीना ने किया। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। भरतपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में और भी कई जगह गरीबों के लिए काम करते हैं और उनकी जो भी सहयोग हो सकता है वो करवाने में उनका जो संस्था का योगदान है और इस संस्था से जुड़े हुए सभी भामाशाहों का, दानदाताओं का, समाज सेवियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और वह सही कटारा जी को कभी हाथ नहीं चलाना था और उस रूप में हमेशा जब भी उन्होंने कोई काम किया तो आगे बढ़ सकते हैं, सहयोग करते हैं। तो जानते हैं कि आर्थिक मदद करना, इस आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं, मानवता की मदद कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो उस मानवता के पहुँच के लिए उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। राष्ट्रीय का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। 25 लाख रुपए की लागत का इस प्लॉट इस संस्था के भवन के लिए कार्यालय के लिए आपको दिया है।